मचे दा एक रुख पाइए सुटो चटपट बनती है कि जिसकी नस चढ़ तखाड़ा डैने जानी लभी कंका दास पूजन करने पैर धोइए शरामत पीने पर ठूक बसेरा फड़िया एक कचका उपर बाण चलाइए कुसने अपनी मौत सेड़ी आपू निर्णय होने आता चटो पीते है मेरी हूं मैं तेरे कन्ने रोना जाना नहीं है परतिएगा आओ ते आया हाथ पक्के पैरे हल पंजाले दंद भी आते टब्बर मेरा इको कोड़ी 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 मेरी कोड़ी 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 मेरी कोड़ी कोड़ी है मेरी प्राण प्यारी जे किश जे किश बाती काटी है कि इसके बारे कुछ तो जीव कच्ची में आ रही देनी अज चले रहा है चुप चुपीता बनने आला आला डिगन इसने सारा जंतर करिए सब कुछ रोड़ी लेना करने सब कुछ रोड़ी लेना करने इस सोगी से हाथ मिलाया टोटे तेरे करी टकांगा कला कला दगा कमांदे आग दे किश दे कर दे किश जिस दी खातिर तरम गवाया ले लाइटे सारी चटन पारी पर तू रुके कागा किवे प्राण मेरे ते निकलता दे कन्ने कन्ने मौस भी ले दे जाया थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया ना मैं देखा बरखा दा बरसातू पानी गंगा जल तू देखा बंदा थोड़े ऊपर खिड़े चमेली थोड़े ऊपर खिड़े चमेली थोड़े ऊपर खिड़े चमेली थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया नाग दिखिया बरखा दा बरसातू पानी गंगा जल तू दिखिया बंदा अरे नहीं यार नहीं ये सही नहीं हो रहा है रिहर्सल कर रहे हैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं कुछ नया फिर से थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया ना गे दिखिया बरखा दा बरसातू पानी गंगा जल तू दिखिया बंदा अरे शिट यार ये भी नहीं कुछ अलग क्या कर सकते हैं इसमें हम और कुछ नया एलिमेंट ऐड अगर इसको हम करें म्यूजिक के तरीके से तो कैसा जाएगा थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया ना गे दिखिया बरखा दा बरसातू पानी गंगा जल तू दिखिया बंदा
थोड़े ऊपर खिड़े चमेली। क्या कोई है? अरे कौन बदतमीज है वहां? जो भी है सामने आके बात करो। बरखा द बरसा तू पानी, गंगा जल तो दिखया बंदा, थोड़े ऊपर खिड़े चमेली, ना मैं सुनया ना गे दिखया। परखा माफ करना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो तुम पहले से ही कर चुकी हो। मिस आप आई आई बैठिए जी। मैं यहाँ पे अंकुश गुप्ता जी से मिलने आई हूँ। बेशक मोहतरमा, वो तो आपकी खिदमत में है। माफ करना, क्या मेरी बात अंकुश गुप्ता जी से हो रही है? वो बाबा जीतो के कलाकार। इसीलिए तो आप यहाँ आई हैं। आप कैसे जानते हैं? आपको तो पता होना चाहिए कि मैं ही अंकुश गुप्ता हूँ और आप इसीलिए तो यहाँ आई हैं। मेरा आपको कोई भी असुविधा देने का मतलब नहीं था। असुविधा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने काम के बारे में बात करना तो मेरे लिए सम्मान और विशेषाधिकार, और निश्चित रूप से अपने बारे में बात करना। खैर ये आपका बड़प्पन है। आप प्लीज मुझे अंकुश बोले। अंकुश? हाँ हाँ, तो बताइए आप सबसे पहले मेरे बारे में क्या जानना चाहेंगी? मिस गोरी। वाह हसीन। गोरी अब्रॉय, बेहद आकर्षक। दरअसल मैं यहाँ पे अपने पिताजी के बारे में बात करने आई हूँ। पिताजी? जी हाँ, दिनेश्वर अब्रॉय। क्या मैं उनसे परिचित? नहीं, आप उनसे परिचित नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे जरूर मिल लें। तो वो भी मेरे काम के प्रशंसक हुए? वो एक स्कूल में हेडमास्टर है, मतलब हेडमास्टर थे। ये तो कितनी अच्छी बात है। एक शिक्षित व्यक्ति ही तो सबसे अच्छा दर्शक बनता है। वो हमारे धार्मिक स्कूल में हेडमास्टर थे और उन्होंने कई सालों तक हमारे युवा छात्रों को बाबा जी तो सिखाया है। वाह गोरी वाह, ये कितने सम्मान की बात होगी मेरे लिए कि पहली बार तुम और तुम्हारे पिता मेरे साथ अभिनव थिएटर में मेरा नाटक जीतो, मेरे साथ देखो। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या होगा? खैर ये आपका बड़प्पन है, लेकिन अरे थैंक यू या शुक्रिया की जरूरत ही नहीं। मैं तो पत्र लिखकर खुद ही सुनिश्चित करूंगा थिएटर को कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए हॉल के सबसे पहली पंक्ति में अपना नाम दर्ज कर लें। लेकिन मेरे पिताजी आपको बाबा जीतो का करेक्टर प्ले करते नहीं देखना चाहते। क्यों क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि उनका मानना है कि वो खुद ही बाबा जीतो है। वाह अरे वाह 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 वाह, मैं तुम जानती हो मैं मजाक की भावना का बहुत आनंद लेता हूँ। काश ऐसा सच होता, मगर ये सच नहीं है। तुम जानती हो कि कुछ इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हम कभी सोचते हैं कि हम कोई और हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे अंकुश। तुम जानती हो जब मैं छोटा था तो अपने आप को रांझा समझता था और सारा दिन हीर की तलाश में कभी यहाँ तो कभी वहां बस भटकता रहता था। और अभी कुछ हफ्ते पहले ही जब मैं आपराधिक मानसिकता के पागल खानों में पागलों पर कुछ शोध कर रहा था तो जानती हूँ क्या हुआ? उस दिन मैं दो महात्मा गांधी और एक नथुराम गोडसे से मिला। वाह क्या मुम सब कलाकार अंत में मानसिक रोग से ग्रस्त अस्पतालों में ही पहुंचते हैं? माफ करना मोहतरमा, लेकिन मैं आम कलाकारों में से नहीं। लेकिन तुम पागल खाने तो गए थे। हाँ तो मुझे अक्सर अपने किरदारों को तैयार करने के लिए कई बार ही पागल खाने जाना पड़ा, लेकिन वो तो एक बहुत अच्छा अनुभव था। तो तुमने पागलपन के बारे में क्या सीखा अंकुश? मैंने पागलपन के बारे में सीखा? खैर ये सब जाने दो, तुम ये बताओ तुम
इन सब के बारे में अखबार में कुछ लिख क्यों नहीं रही? मैं तो अखबार पढ़ती भी नहीं हूँ। तो तुम यहाँ किसी और के भेष में मेरी रिहर्सल तबाह करने आई थी? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं किसी और के भेष में यहाँ आई थी? ये तुमने मुझसे खुद कहा। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अच्छा, ये लो मेरी स्मारिका रख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ सके। वैसे भी लोगों ने मेरे नाटक की बहुत तारीफ की और बहुत सी लड़कियां तो थिएटर के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़ी रहती हैं स्मारिका पाने के लिए। लेकिन तुम इसे रख सकती हो और यहाँ से जा सकती हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मुझे तुम्हारी कोई तस्वीर या स्मारिका नहीं चाहिए। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनिया ना गे दिखिया, बरखा दो बरसा तू पानी, गंगा जल तू दिखियो बंदा। बचो बचो मेरी नजर से, बचो तुम गोरी। क्या समझती हो खुद को? बाबा जीतो के अंश कुछ चुरा कर ले जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें भी उसे अपने पूरे यौवन पर देखने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा मिस गौरी ओबेरॉय। और मैं कभी किसी से ये नहीं कहूंगी कि जो जिद्दो मैंने तसव्वुर किया वो ऐसा भी हो सकता है। वाह, तो तुम हम आलोचक बनना चाहती हो। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ आज तक तुमने सबसे बेहतर जिद्दो किसे करते हुए देखा होगा? मैं जवाब नहीं दे सकती। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, क्योंकि मुझसे बेहतर जीतो ना आज तक किसी ने किया होगा ना कोई कर पाएगा। क्योंकि मैंने जीतो की अदाकारी करते कभी किसी को नहीं देखा। क्या कभी किसी को भी नहीं? क्योंकि किरदार करना और किरदार को मन से चुरा असल जिंदगी में जीते रहना दो अलग बातें हैं। और दूसरी बात, पागलपन को प्रोत्साहित करती है। माफ करना, लेकिन थिएटर भटकाता नहीं। हमारे अभिनय तो दर्शकों की आंखों में आंसू ले आते। असली अश्रु तुम लोगों को वो किरदार निभा के रुलाते हो जो असल में होते ही नहीं, जबकि असली दुख और दर्द उन्हें हमेशा घेरे रखता है। किरदार मंच पे नाटक ये ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, किरदार हमेशा नाटकीय ही होते हैं, लेकिन दुख और दर्द असली। हम अपने किरदारों के साथ ही अपना दुख और दर्द भी जीते हैं, इसी को तो कला कहते हैं। पागलपन सिर्फ ऊंचा बोले से कम नहीं होता मिस्टर गुप्ता। तो तुम यहाँ इतनी दूर से मुझे सिर्फ ये बताने आई थी मुझे जीतो किस तरह से अदा करना चाहिए? नहीं नहीं, दरअसल यहाँ मैं अपने पिताजी के बारे में बात करने आई हूँ, जो असल जिंदगी में सबसे बेहतर बाबा जीतो है। मुझे लगा तुमने कहा था तुम्हारे पिता एक अध्यापक। तीन महीने पहले तक वो एक अध्यापक थे, फिर मेरी माँ बीमार हुई, बाबा जी तो केली थी उनके सिरहाने अधखुली अधूरी रह गई। जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली मुझे तुम्हारे दर्द भरे हादसे पर अफसोस। इस हादसे ने मेरे पिता को पूरे तरीके से तोड़ के रख दिया। मेरे पिता का हमेशा मानना था कि मेरी माँ की मोहब्बत और उनका धार्मिकता में विश्वास ही था जिसने एक बिगड़े हुए और गुस्सेल नौजवान को नैतिक रूप से बुद्धिमान बनाया था। मेरी माँ ने मेरे पिता को दुख और पीड़ा की जिंदगी से निजात दिलाई थी। माँ के बिना वो अपने आप को भूल से गए और उनकी जुबान में सिर्फ वो पंक्तियां रह गई जो माँ ने मरते हुए आखिरी बार पढ़ी। इस नाटक के किरदार उनकी जिंदगी बन गए और वो खुद जीतो उनसे दूर होते चले गए। आज भी वो पागल खाने की दीवारों पे वो पंक्तियां
लिखते रहते हैं, लिखते रहते। पूजन करने आ पैर तो ये चामत पीने आ पर तू करा बसेरा पड़िया आएगा गार मिगी नी पलिया बच्चा मां मरी गई जम दे गए थोड़ा बड़ा होया जिसने बाबू बीपी भी चली गया माया दीपी शादी हुई उसकी मेरी गोदी पाई है वो भी इतु इतु जल्दी आई आज 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 चले ना है जो बच्चे पिता काला डिगल इसने सारा जल थल करिए सब कुछ रोड़ी लाना करने सब कुछ रोड़ी लाना करने सब कुछ रोड़ी लाना करने मैं तेरे कन्ने रोना जाना नहीं हो पत्ती घर आओ ते आया अड्डे पक्के पैर हल पंजाली दंद भी आते टब्बर मेरा इको कोड़ी 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 है मेरी प्राण प्यारी जे किश बाती काटिया की ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਖਿੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣੀ ਕੋਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਮੇਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਖਾਦਾ ਬਰਸਾ ਤੂਫਾਨ ਗੰਗਾ ਜੰਦੂ अंकुश क्या तुमने इस नाटक का हर शब्द
याद है? हाँ ये तो मेरा काम है और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तो इसका मतलब अगर तुम स्पर्श मनाग्रह मेरे साथ आओ तो तुम दिनेश और ओबराय के साथ कहीं से भी स्टार्टअप को शुरू कर सकते हो। माफ करना मोहतरमा, लेकिन मेरी काबिलियत एक कलाकार की है और तुम्हारे पिता उस पागल खाने में। मेरे पिता इस नाटक में है अंकुश। तुमने कहा था वो एक आध्यात्मिक थे। पागलपन, उस शख्स से वो आध्यात्मिकता छीन ली और उसकी जगह जित्तो छोड़ दिया। मैं बहुत मजबूर होके रह गई हूँ अंकुश, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो ना। माफ करना, क्या कहा तुमने अभी? जित्तो? मैं जानता हूं तुम्हारा मतलब ये नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी, चलो चलो मेरे साथ और खुद ही उनकी काबिलियत को माप लो। माफ करना पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम उन्हें अंधेरे से निजात दिला सकते हो अंकुश, प्लीज। अगले महीने के 10 तारीख को मेरे नाटक की प्रस्तुति अभिनव सभागार में है, तुम उन्हें वहीं ले आना। तुम जित्तो से शाना पशाना मिलोगे, उसके दीवारों पे लिखे संवादों को, उसकी आत्मा के कण कण में बसे बाबा जित्तो को। माफ करना गौरी पर यह नामुमकिन। तुम उन्हें अंधेरे से निजात दिला सकते हो अंकुश, लेकिन प्लीज, हम प्लीज। लोग अजनबी हैं। नहीं अंकुश, ये नाटक तुम्हें उनका दोस्त बना देगा, सिर्फ एक अकेला हमदर्द दोस्त। मुझे तुम्हारे हादसे के लिए खेद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम नहीं आओगे ना, यही कहा ना तुमने। तुम जानते हो मैं सिर्फ 13 वर्ष का था जब मेरे पिता की मौत शराब पीने के कारण हुई। मैंने उन्हें उनकी आखिरी हिचकी लेते हुए देखा था। उनका हाथ मेरे हाथों में था जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन मुझे तब भी मौत से डर नहीं लगा और मुझे आज भी मौत से डर नहीं लगता। मेरे पिता जिंदा है अंकुश। लेकिन मैं तुम्हारी तरह पागलपन की जिंदगी पर विश्वास नहीं रखता हूँ। तुम्हें मौत से बेशक डर नहीं लगता होगा अंकुश, लेकिन मुझे यह हमेशा अफसोस रहेगा तुम उससे साक्षात नहीं मिल पाए जिससे बनना तुम्हारी जिंदगी का ख्वाब रहा। मौत से बदतर और क्या हो सकता है। असफलता, फेलियर, तुम्हारी रिहर्सल में तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए ना खेद है, मैं जा रही हूं। चले जाओ यहां से, मैंने किसी को नहीं बुलाया था मदद करने के लिए। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनया ना गए दिखया। नहीं न न न बरखा दा बरसा तू पानी गंगा जल नहीं। ये क्या हो रहा है यार, परेशान हो गया हूं। थोड़े ऊपर खिड़े चमेली ना मैं सुनया ना गए दिखया, बरखा दा बरसा तू नहीं। ये सही नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्यों? गंगा जल तू देखो बंदा नहीं, थोड़े ऊपर खिड़े चमेली नहीं 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 मैं गंगा जल तू देखो बंदा बरखा दा बरसा तू पानी। करो इसे, कोई बंद करो इसे, मैं पागल हूं जल्दी। बरखा दा बरसा तू पानी गंगा जल तू देखो बरसा। बंद करो, थोड़े कीड़े चमेली मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
खाता बरसा तू पानी गंगा जल में देखियो बंदा। कोई से बंद करो, कोई से बंद करो, कोई से बंद करो। बिच तू वादे बैठी है दुर्गा जाके जोत नराली। गौरी, एक मिनट। गौरी को बुरा है? मिस्टर गुप्ता, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते? नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पिता से मिलने आया। मुझे नहीं लगता। प्लीज ये सब छोड़िए और बैठकर मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैं सच में यहाँ आया। मैं अंधी नहीं हूँ। क्या जब से हम मिले हैं क्या कुछ बदला है? मेरी सोच। मैं यहाँ तुम्हारे पिता से मिलने आया, आशा करता हूँ वो भी ठीक होंगे। पागलपन जिंदगी का नाम नहीं है, ये फलसफा एक मशहूर बाबा जीतों के एक्टर अंकुश गुप्ता का है, राइट? क्या वो भी जिंदा है? हाँ, वो भी जिंदा है। तो मुझे उनसे मिलो। नहीं, तुम मुझे ना नहीं कह सकती। तो मुझे ये कहना होगा कि ये नामुमकिन है। मुझे अच्छे से याद है कि जब तुम मेरे पास आई थी तो अपने पिता की मदद करने के लिए बहुत उत्सुक थी, और तुमने मुझे यहां आने का भी आदेश दिया था। तुमने अपने फैसले पे खुद ही यूं ही अपने आप पूर्ण विचार कर लिया। गौरी, मैं जानता हूँ ये मेरी गलती, और फॉर दैट आई सीक एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू। ये तुम्हारा पछतावा बोल रहा है? मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि तुम कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। तुमने मुझे उस दिन वहां अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। तो तुमने भी तो मेरे प्रोफेशन की निंदा की थी। इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो और तुम्हें गुस्सा होने का भी पूरा हक है। मुझे नाराज होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है मिस्टर अंकुश। देखो गौरी, हम दोनों जानते हैं कि हमारी पहली मुलाकात किसी अच्छे माहौल में नहीं हुई, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा स्पर्श एक अशिष्ट कलाकार को भी दूसरा मौका जरूर देगा। अच्छा, मुझे ये पता चला कि तुम मशहूर बाबा जीतों के एक्टर अंकुश गुप्ता हो, तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे मंच के कलाकारी के इतिहास से मैं बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, और मंच क्या होता है मुझे ये भी कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जम्मू के महान प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी के मैंने बाबा जीतों के कई चर्चे सुने थे, और ये भी सुना था कि कोई अंकुश गुप्ता है जो हमारे वक्त का मंझा हुआ कलाकार है। मैं स्वीकारती हूँ कि जब मैं तुमसे पहली बार थिएटर मिलने आई थी तो मैंने सोचा कि तुम मेरी कोई मदद कर भी पाओगी या नहीं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैंने तुमसे ये नहीं जान लिया कि तुम इस नाटक का हर शब्द हर पंक्ति जानते हो। लेकिन
मैंने तुम्हें कितने ही कारण दिए यहाँ मेरे पास फर्श बनाग्रह में आने के लिए, तुमने ना को ही हमेशा मजबूती से थामे रखा। इसीलिए मैं अब तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या खींच लाया तुम्हें यहाँ अंकुश? क्या सच? सच तो यह है गौरी की मेरी तीन बहनें और एक माँ है, जो सिर्फ मुझ पर ही आश्रित है। लोग तो बस मेरी कलाकारी की सराहना करते हुए अपने साथ कुछ यादें ले जाते, लेकिन मेरा काम कभी खत्म नहीं हुआ। मैं हैरान भी हुआ और निराश भी जब मुझे पता चला कि तुम्हें अंकुश गुप्ता के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन उसके बावजूद तुम वहां मेरे पास आई और मुझे वो करने को कहा जो शायद इस दुनिया का कोई भी कलाकार नहीं कर पाए। मैं जानता हूं मेरा तुम्हें नकारना बहुत ही अशिष्ट व्यवहार था, लेकिन गौरी अब मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हारे जीतों से मिलना चाहता हूं, ताकि मैं और वो एक दूसरे के लिए कारगर साबित हो और अगर मैं उनके लिए सही इंसान साबित हो सका तो तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बन पाऊं। तुम्हारा यह आना मेरे लिए किसी ईश्वर के वरदान से कम नहीं है। तो ईश्वर के लिए मुझे उनसे मिलवाओ। हाँ, चलो आओ। रुको, तुम वहां कमरे में किसी भी इंसान से मिलो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वो बहुत ही नेक दिल और साफ दिल इंसान रहे, बहुत ही नेक दिल। आओ चलो मेरे साथ। गार्मिगिनी फलिया बच्चा, मां मरी गई, जंग दे गई, थोड़ा बड़ा होया जिसले बापू बिट्टी चली गई, माया दीपी शादी हुई, तुकी मेरी गोदी पाई, वो भी चलती हुई। ओ भाई गॉड, आपने भी तो कुछ नहीं खाया पिताजी। तेरे जाने को पहले मैं चोला बदली लेना। ये दृश्य पांच है, जितो परेशान है, कदम कदीते आंधी की है, अरे जेके बाण चला दे, इंदे कल बचिया रोना। जितो अपनी बेटी से बात करना चाहता है गोरी। मैं क्या कहूँ, काली ने मी रखी बेटा, अपने शाह मारी गई ना। तुम्हें जीतू से कोड़ी की वो भक्तियां कहनी होंगी जिसमें वो अपने पिता से बात करती है। लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। डरो मत, द लाइन ही वांट्स टू से इज क्वाइट सिंपल। बस बापू छंदा तुंदा, गल नहीं करियो मरने वाले। बस बापू छंदा तुंदा, गल नहीं करियो मरने वाले। दस दसो की दस दे, बच्ची की क्यों या?
नांदे कोई कोई कीड़ा तो छोटा मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, मैं आपकी बेटी आपकी गोरी आंख देव बापू मेरे साथ कुछ गलती हुई ये कहो गोरी ये कहो क्या आंख देव बापू मेरे साथ कुछ गलती हुई दस दस क्यों नहीं दस दे बच्चे की क्यों आया अब मैं इसको मन के पंक्तियां बोलता हूँ ओ जे की शाख दी मन्नी जाओ और सबकी शोया इस दे करिए ऐसे दे परतापे पीछे इसो कीजे हाथ भी लाया टोटे तेरे करी टकांगा मत कोई हाथी लंदा इसकी दूर हटी जाओ सारे इथुआ जितना लगी तू शांति हो हाँ तो कनका भी फिर लायो पाई हूं मैं तेरे कन्ने रोना जाना नहीं हो पड़ती है गाल आओ ते आया अदे पके पे हल पंजाली दंद भी आंदे तब पर मेरा एक कोड़ी पापा कोड़ी 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 मेरी कोड़ी कोड़ी वही पंक्तियां कहो जो वो सुनना चाहते हैं मैं अकोड़ी तुंदी कोड़ी मैं के तुंदी बुआ कोड़ी मैं अकोड़ी तुंदी कोड़ी मैं के तुंदी बुआ कोड़ी नाना बच्चा कैसे नहीं ऐसा मन नहीं मैला करे पुत्र तेरे बिना कौन मेरा इत के मैं जम्मू आ जा के मैं जम्मू नाम है जम्मू घर पंजोड़े जी तो अपना घर खड़ो ओह माय गॉड सी हम कुछ ही इज ईटिंग ये तो मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है मैंने हमेशा इनके लिए प्रार्थना की है मैं तो इनकी तरह किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता अंकुश क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिताजी को इस मति भ्रम से बाहर निकाल सकोगे जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी और अपनी पिता की मदद करने के लिए कहा था तो मैं भी इसी भ्रम में था कि मुझसे बेहतर जीतो तो कोई हो ही नहीं सकता लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं कोई ऐसा दृश्य पकड़ पाऊं जिनसे मैं इन्हें बाहर ला सकूं लेकिन तुम सावधानी बरतना मैं जीतों की पंक्तियां कहूंगा और जब मैं बोलना खत्म कर दो तुम कहना चलो चलो हुन चलचे सारे नेरा भी है उन्हें आला इनके लिए इस कमरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है इनके लिए सूरज की रोशनी में बैठना बहुत जरूरी है अंकुश और इन्हें खाना भी खिला सकूंगी चलो चलो उन चलचे सारे चलो चलो उन चलचे सारे नेरा भी है उन्हें आला चलो चलो उन चलचे सारे नेरा भी है होने आला चलो चलो चलचे सारे नेरा भी है होने आला चलो चलो इतना सारे जे किश लिखिया हुए होना चले ते तू कई कुवाड़ी चलो चलो चलचे सारे चलो चलो चलचे सारे नेरा भी है होने आला भागे दियां केड़ा सारी जे किश लिखिया हुए होना अल्ले तू कई कुवाड़ी बदले मिट्टी चलो चलो चलचे सारे चलो चलो चलचे सारे चलो चलो चलचे सारे कुछ खाया है ओ ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया
तेरा लाख लाख शुक्रिया ईश्वर। कंजका उपर बाण चलाइए, कुसने अपनी मौत सहनी, अपू नहीं होता, छोटो पीते है बेड़ी। आऊंगा तेरी जोचा चाची, छंदा छंदा जीतो तेरा। कंजका दास अस पूजन करने पैर धोइए चनामत पीने, पर तू क्या बसेड़ा पड़ा एक माफ करे दे एक ही बारी मुड़ियो नहीं हो आख किश भी मचे दा एक रुख लाइए सुटो चटपट बलदी अगी जिसकी नस चढ़े तखाड़ा गहने जानी लभी बचन बचन होया है मेरा तेरा मुड़िए नहीं वाकन किश भी चाची की मैं माता समझिए श्रद्धा करने शीर झुकाया पर वो निकली कुना त्यारन उन मैं तेरा मित्र रुलो और जुथे ऐसा मोल बनी जा कड़ी टपाना मुश्किल बंदी चंगा किता इत्थे आया और जूंदे दागे सब किश पाया मैं तेरा मित्र जितो जिथे ऐसा मोल बनी जाए कड़ी टपाना मुश्किल बंदा चंगा किता इत्थे आया जिंदे दागे सब किश पाया जिंदे दागे सब कुछ पाया उन मैं तेरी भाभी जीवनी छूंदे सारे दिन दे फुके आज चले रहा है चुप चुपीता बनने वाला काला डिगर इसने सारा चल थल करिए सब कचरोड़ी लेना कन्ने सब कचरोड़ी लेना कन्ने सब कचरोड़ी लेना अंकुश क्या तुम्हें लगता है कि पापा यहां से कभी बाहर भी निकल पाएंगे जब तुम मेरे पास आई थी तो मैं मुझे लगा था कि मुझसे बेहतर जीतू तो कोई हो ही नहीं सकता लेकिन एक नायक ना होने के बावजूद भी उनकी पकड़ हर शब्द हर संवाद पर इतनी सुदृढ़ है कि कहीं जगह मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाया मेरी माँ की मृत्यु के समय मेरे पिताजी सिर्फ एक अधीक्षक थे मैंने तुम्हें बताया कि उनकी पकड़ उनके सहायक पे कितनी अच्छी थी वो हमेशा अपने शिक्षकों के अध्यापन में आतुर रहते थे और सदा किताबों को ही अपना दोस्त मानते थे वहां के स्वर्गवास के क्षणों में बाबा जीतो की लिपि उनके सिरहाने अधखुली अधूरी रह गई जिसे माँ अक्सर उन्हें पढ़ के सुनाया करती थी शायद वो आखिरी किताब जो जम्मू के महान कृषक की गाथा सुनाता है वो मेरे पिता के लिए मेरी माँ की आखिरी पहचान और आखिरी धरोहर बन के रह गई मुझे तुम्हारे पिता जीतो के करीब जाने के लिए हर पात्र का रूप लेना पड़ा और आश्चर्यजनक तो ये भी रहा कि कहीं जगह मैं अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा लेकिन उनसे मिलती ऊर्जा मुझे हर पल आगे ले जाने के लिए मजबूर करती रही। अंकुश, क्या तुमने कुछ ऐसा महसूस किया जहां जहां उनकी वापसी की एक झलक भी मिली हो जहां उन्होंने खुद को एक बार भी दिनेश्वर अब्राय समझा हो माफ करना गौरी लेकिन वो दिनेश्वर अब्राय तो है ही नहीं क्या मतलब दिनेश्वर अब्राय तो तुम्हारे माँ के साथ ही अपना मानवीय चोला त्याग कर चुका
रूहानी जी तो जी रहा। तेरे जाने को भी पहले मैं चोला बंदी ला रहा। प्लीज रखो ने ये मौका मत गवाना। बुआ कोड़ी कहता ना पंक्तियां कहो शब्द, मुझे पंक्तियां शब्द बताओ। दसो ना है तरमी पावन, ऐसी भी क्या सोच बनी है। दसो ना है तरमी पावन, ऐसी भी क्या सोच बनी है। सोचा ना ये गातिया की बसी जाती हो कुतिया जिथे ना है चाची रे पे ना है बबल बंदूस दे या यूं सोची लेता मैं भी छोड़ी जाना उठिए। तुसकी डर देंदे कोला, तुसकी डर देंदे कोला हूं मैं तेरे कन्ने रोना। जाना नहीं हो पत्तीगार आऊं ते आया दे पक्के पैरे हल पंजाली दंद भी आंदे टब्बर मेरा इको कोड़ी पापा घोरी घोरी आज चले राय चुप चपीता बने आला काला डिग इसने सारा जलथल करी सब कुछ रोड़ी लेना कन्ने सब कुछ रोड़ी लेना कन्ने तो गे जे हाथ पे लाया टोटे तेरे करी टकागा। मुझे लगता है पापा शायद समझ रहे हैं कि हम उन तक ठीक तरह से पहुंच पा रहे हैं। अंकुश बस इतना समझो गौरी कि हम उनके नाटक के बस पात्र बन चुके हैं लेकिन लेकिन उन्होंने हमें अपना भी लिया है। सोचा ना ये गातिया की बसी जाची और कुती गार गार मिगी नहीं पलिया बच्चा मां मरी गई जम दे गई थोड़ा बड़ा होया जिसने बापू भी फी चली गया माया दी भी शादी हुई तुकी मेरी गुदी पाई अभी तू चलती हुई अभी तू चल दी हो। रुको 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 बुआ कोड़ी की तरह पंक्तियां बोलो तुस ओए की आखा कर दे ये तो सारी कर्म गति है। तुस ओए की आखा कर दे ये तो सारी कर्म गति है जिस दी खाते तरम कमाया लाजे सारी चट्टन पारी पर तू रुके कागा किवे प्राण मेरे ते निकलता थे कन्ने मौस भी नहीं। अंकुश रोको ने प्लीज अंकुश रोको ना ये क्या हो रहा है इन्हें पापा आप ठीक तो हो ना पापा क्या हो गया। वो भी अर्ध निद्रा में उन्हें कुछ देर ऐसे ही रहने दो। अगे अगे दुश्मन चलता पीछे सत्ते पाई अंकुश अभी मुझे सोने तो मैं कल सारी रात रिहर्सल करता रहा हूं। अंकुश उठो ना मेरी बात तो सुनो प्लीज अभी मुझे सोने दो और यहां से चले जाओ। अंकुश उठो ना प्लीज घुरी मैं मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम आज अच्छे लग रहे हो। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करने का नहीं था। दरअसल तुम्हारा आना मेरे पिताजी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। ये जानकर मुझे खुशी हुई। वो अब खाना भी खाते हैं और अच्छे मौसम में बाहर भी जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो तुम्हें ढूंढते रहते हैं अंकुश। मुझे
हाँ, हम में से ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्यों है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक बार चलो और उनसे मिल लो। जैसा कि मुझे अच्छे से याद है, हमारी पहली मुलाकात तुमने कहा था सिर्फ एक बार मिलने के लिए, और वो अनुरोध तो मैं कब का पूरा कर चुका हूँ। अंकुश, तुम जानते हो कि अभी कितना काम बाकी है। मेरा काम तो यहाँ है। तुम अभी आने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे लगता है शायद तुम अपने पिता के हालात से वाकिफ नहीं। अपने पिता से बाखूबी वाकिफ हूँ। मैं स्पर्श पनाग्रह की अधीक्षक हूँ। तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए तो मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, और वो तुम ही उन्हें दे सकते हो। अंकुश, मैंने तुम्हारे पिता जीतो के लिए इसो की भूमिका नहीं की, उन्हें तुम्हारी बाहों में लगभग अधमरा छोड़ दिया। इससे ज्यादा तुम्हें मुझसे और अब क्या चाहिए। मैंने तुम्हें उन्हें उस नाटक से बाहर लाने को कहा था, ना कि उस कमरे से। मैं उनके लिए कोई ऑर्फियस नहीं हूं। तुमने उनकी आंखों में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने सिर्फ वही देखा जैसा तुमने मुझे वर्णन किया था। मैंने वही किया जैसा तुमने मुझे करने को कहा। वो अपने कमरे से बाहर भी आए, उन्होंने खाना भी खाया। इससे ज्यादा अब और क्या चाहिए मुझसे। वो बदले जरूर है अंकुश, लेकिन बेहतरी की ओर नहीं। वो खाना भी खाते हैं और कभी कभी बाहर भी निकलते हैं, लेकिन सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह। तुम्हारे पास नाटक की किताब है, उनके सामने पंक्तियां पढ़ा करो। वो तुम्हें ढूंढते रहते हैं। वो मुझे नहीं, नाटक के शब्दों को पहचानने में लगे हैं। तुम उनके बहुत करीब जा चुके हो और तुमने कुछ महसूस भी किया था। नहीं, उन्होंने तुमसे कुछ कहा था। सिर्फ बाबा जीतो के शब्द। कुछ हुआ था। देखो बोरे, बेहतर होगा कि कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दें कि जैसी वो होती हैं। तुम किस चीज से डर रहे हो। तो मान लो मैं डरपोक हूं। और सच, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे पिता एक साफ सुथरी अवस्था में घर लौटकर वापस आएंगे, रोज उठकर तुम्हें गीता सुनाएंगे और तुम्हारे उस अधूरे परिवार का हिस्सा बनकर उसे संपूर्ण करेंगे। तुमने उनकी आंखों में क्या देखा था अंकुश। मैंने देखा एक संपूर्ण जीतो। बहुत अच्छे, अब तुम मेरे साथ आओगे और वहीं से इस नाटक को शुरू करोगे जहां पे रोका था। गौरी, तुम्हारे पिता इस नाटक को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं, ना कि मेरी और तुम्हारी। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूं कि सिर्फ एक आखिरी बार मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तुम शायद समझ नहीं रही हो। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि मैं इस नाटक को अंत तक लेकर चलूं। तो अंत इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। बाबा जी तो दुखांत है। दिनेश्वर अब्रॉय कलाकार नहीं है। यही तो त्रासदी है। तुम गलत भी तो हो सकते हो। और अगर मैं सही निकला तो। ये कोई नाटक नहीं है अंकुश। हाँ, ये कोई नाटक नहीं है। और अगर तुम्हारे पिता इस नाटक के दौरान गुजर गए तो कभी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। जिंदगियों के अंत सिर्फ ईश्वर लिखा करते हैं। मैं एक इंसान को उसकी मौत की ओर धकेल नहीं सकता। प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो एक आखिरी बार। मैं कभी भी इस धर्म संस्थान की ओर रुख नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी भी नहीं। तो फिर धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम्हारे नाटकों पे, धिक्कार है तुम्हारी कलाकारी पे। मैं कभी भी इस धर्म संस्थान की ओर रुख नहीं करूंगा, कभी भी नहीं।
मेरी गल ही तो सब भैड़ा नहीं समझो। मिगी पता है मैं बहुत गलतियां कर चुके ना। मैं चाहिए भी ये गलतियां ठीक नहीं कर सकता, कदे भी ठीक नहीं कर सकता। जिन्ना एक बवंडर कदे दे टुकड़े टुकड़े करी दिंदा, मैं उन्हें टुकड़े ही कट्ठा करने की कोशिश करा रहा। मैं तुंदी सहानुभूति नहीं चाहना। मिगी पता है जेड़े गुनाह मैं कीते ने उन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता, कदे भी ठीक नहीं कर सकता। कंजका उपर बाण चलाइए उसने अपनी मौत ऐसे ही अपने ने उन्हें उन्द छो बीते बेड़ी मंचे दाइक रुख लाइए सुटो चटपट बल्दी अगी जिसकी नस तड़े चढ़ा डैने जानी लभी। मुझे लगता है कि मेरी सांसें रुक रही हैं। कोई मेरा गला जोर से दबाए जा रहा है। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं? मैं कुछ बताने के लायक भी नहीं हूं। मेरा दिमाग एक काले जंगल की तरह है जिसमें इसमें मैं खोया हूं। मुझे मालूम नहीं कि ये मुझे कहां लेके जा रहा है। माया मेरी बीवी माया मुझे एक नेक इंसान बनाया उसने। मैंने सब बुरी चीजें छोड़ दी। माया ने जैसा जैसा काम मैं करता रहा लेकिन वो इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं अपना दुख अपना दर्द किसे बताऊं? अपनी बेटी को जो मुझे लगे आगे ही परेशान है, मुझे ठीक करने को लगी है यहां वहां हर जगह, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं। मेरी बेटी माया की आखिरी निशानी मेरे पास है। मैं उसे कॉलेज जाते हुए नहीं देख पाया, उसे अपने साथ लड़ते हुए नहीं देख पाया। इससे बड़ा दुख और क्या होगा एक बाप के लिए? इससे बड़ा दुख और क्या होगा एक बाप के लिए जो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा, सब कुछ चाहता है करना लेकिन नहीं कर पा रहा। मेरे हाथ जैसे किसी ने बांधे हो।
मेरा घर तो टूट चुका, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूं वो कभी जुड़ नहीं सकता। जैसे जैसे एक धागा हम तोड़ देते हैं, उसे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी, पर वो जुड़ता नहीं। अगर अगर हम उसे छोड़ भी लेते हैं एक गांठ मार के, लेकिन रिश्ते में तो एक गांठ रह ही जाती है ना। वैसे ही हमारा घर है, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना समेटने की कोशिश कर ले, पर वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। मैं अगर अभी जिंदा भी हूं तो अपनी बेटी गौरी गौरी कौड़ी कौड़ी मेरी कौड़ी मेरी कौड़ी मेरी कौड़ी। गौरी पिताजी, पिताजी गौरी, पिताजी आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना पिताजी? वो ठीक है, पापा ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है। तुम सोई हुई थी, मुझे लगा अंकुश गुप्ता आया है, लेकिन लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लगता है कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ। गौरी तुम कोई सपना नहीं देख रही, मैं सचमुच में यहाँ आया हूँ। लेकिन मेरे लिए अभी भी ये एक कुस्वप्न ही है। अंकुश तुम अच्छी लग रही हो। झूठ, शायद कुछ थकी हुई। तुम एक अच्छे कलाकार हो अंकुश, लेकिन मैं रोज आईना देखती हूँ। चिल्ला चिल्ला, तुम पत्थर के मनुष्य हो, चिल्ला। तुमने देखा, मेरे पिताजी ने अपनी आवाज वापस पा ली। कटका ऊपर भाग जाइए, किसने अपनी मौत सेड़ी? वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे, तुम यहीं पे रुको। कोड़ी है मेरी प्राण प्यारी, जे किच बाती काटी बाकी इसके बारे किसे ना, जी जी मैं और ही तेरी। ज्यादातर वो अक्सर ऐसे ही चिल्लाते रहते, फिर थककर यही इस जमीन पे सो जाते। कल रात उन्होंने अपना बिस्तर भी फाड़ दिया। कोड़ी है मेरी प्राण प्यारी, जे किस बाती या किस दे बारे किसी दा, जीव किच्ची में और ही देनी। अंकुश, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक पेड़ के पत्ते को मालूम है कि कौन सा वक्त मुकर्रर किया गया है उसके जड़ने के लिए, या उसे मालूम हो कि अब लटके रहना कितना असहनीय हो सकता है? मेरा विश्वास है कि मैं तुम्हारे पिता को इस नाटक से बाहर ला सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं उन्हें तुम तक पहुंचा पाऊंगा भी या नहीं। मुझे इस नाटक से उतनी ही नफरत होती जा रही है जितना वो इसे मोहब्बत करते जा रहे हैं। जब जाओ ना तो इसे भी अपने साथ ले जाना। ये तो कौड़ी की पंक्तियां हैं और तुमने इस पर निशान भी कर दिए हैं। मैंने याद भी कर ली है, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन नींद आने के कारण कोई और काम भी तो नहीं था। अब ये वक्त अगर उनका है तो वो खामोश नहीं रहेंगे। अब मुझे भी खामोशी की बहुत चाह। जब मैं छोटी बच्ची थी तो देर तक उन मंदिरों की दीपाइयों पे चुपचाप बैठी रहती थी, इस इंतजार में कि कोई बोले। उसे सहा नहीं जाता था। जब भी हम सभाओं में जाते तो मैं ये प्रमाणित करने में लगी रहती थी, क्या ईश्वर कभी आएंगे?
मेरे पिताजी मेरे गालों को थपथपाते हुए कहते, धीरज और खामोश। और मैं उनसे पूछती थी, वो कब आते हैं पिताजी? और वो मुस्कुराते हुए कहते, आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, तुम सिर्फ धीरज रखो। तुम्हें कैसे पता होगा कि कहां से शुरू करना है अंकुश? मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि तुम उन्हें तब नहीं जान पाए जब वो सिर्फ टीनेजर ओब्रॉय थे। तुम उन्हें जरूर पसंद करते, सब पसंद करते थे। क्या तुम तैयार हो? डैन सिरे दी दामन बड़ी झूठे मुठे पिटन पाया, डैन सिरे दी दामन बड़ी झूठे मुठे पिटन पाया, डैन सिरे दी दामन बड़ी झूठे मुठे पिटन पाया। जाति दाऊ पंडित पामे करम मेरा है खेती करना, जाति दाऊ आऊ पंडित पावे करम मेरा है खेती करना। कुल संसार है मेरा कोड़ी तत्ती बहानी लगे इसकी, कुल संसार है मेरा कोड़ी तत्ती बहाना लगे उसकी। मेरी यही वक्त है बुआ कोड़ी की तरह। दसो नामी तरमी बावल ऐसी भी के सोच बनी है, दसो नामी तरमी बावल ऐसी भी के सोच बनी है। सोचा ना ये गार दियागी बसी जाचे और दिते अस कि हाँ उन सोची लेता मैं भी छोड़ी जाना उठिए। सोने में रखी रहता अपने शाये मारी गए। बस बस बापू जंदा तुंदा गले करियो मरने आली इसदा दही तो दो बाड़ी इसकी बंदे अपने टंडे ऊपर चोली लिए कर कर वंगे लाका सारा बसता है गरे पैर तो खोए त्रिंबल भारे सिरे बेवे खागे जाने गाना सुनिए बापू दिखे है सर कटे आए इसदा इसदा थे मत मत होया सर कटे बुआ गिनी तो की थोड़ी अपू सोची ला तू इसो मैं लिखी दे लिखी दिता गाना नहीं हो चक्का इसदा चिंचर बंट के ना तेरी मत कोई आते लांदा इसकी दूर हट जाओ सारे चुआ जितमल की तू सहन दे हां पक्कन कागी फिर लायो पाई मैं ताए आका करता ना ये जिसले आका तू दा कनकागी गिफ्टी पीला के भैया गला गला दा आत्मा दे आगदे किसदे करदे की गला गला दा आत्मा दे आगदे किसदे करदे की गला गला दा आत्मा दे आगदे किसदे करदे की ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਰੱਖੀ ਲੈ ਨੀ ਘਟਾ ਯੋਗਾ ਕਣਕ ਮਲੀਏ ਤਾਂ ਨੀ ਬਚੂ ਜਾ ਲਗਾ ਕੀ ਗੋਰੀ ਯੂ ਨੋ ਵੇਰ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਆਈ ਸਪੋਸ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਮ ਬੈਕ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਹਿਮ ਕੁਇਕ ਔਰ ਹੀ ਮੇ ਰਿਵਰਟ ਤੂੰ ਸੇ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰਮ ਕਤੀ ਹੈ ਇਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਗਤੀ ਹੈ ਇਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਗਤੀ ਹੈ ਇਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਗਤੀ ਹੈ ਰੋਕੋ ਇਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਇਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟਾਪ ਇਟ ਇਹ ਵੀ ਅਰਧ ਨਿਦਰਾ ਮੇ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਰ ਇਸੇ ਅਭੀ ਐਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੋ मुझे डर है कि मैं अपने होशो आवाज में नहीं। पर इतना समझ रहा हूं ये जो महिला है ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। पापा मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपकी बेटी हूँ गौरी। Yeah.
पर मुझे याद नहीं, मुझे मेरी पोशाक याद नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं कल रात कहाँ। पर इतना जरूर समझता हूँ, ये महिला मेरी बेटी है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी गोरी। क्योंकि मैं एक बूढ़ा पागल इंसान हूँ, बूढ़ा और पागल। नहीं नहीं अधीक्षक, अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय, अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय, हर पहलू से संपूर्ण राजा, मेरे सब बशिंदे कांप जाते हैं जब मैं उनकी ओर घूर कर देखता हूं। पर मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हारा गुनाह क्या था? हर पहलू से संपूर्ण अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय, अधीक्षक दिनेश्वर ओबराय। पैदा होते ही माँ चली गई, थोड़ी देर बाद बापूजी भी, माया खोड़ी गोद दी तो वो भी चोरी सिधार गई। अब ये कुछ पिके पन्ने कुछ काली पत्ती लगी गई जिनमें सबसे दूर रहा है अंतपूर्ण की बाकी राह। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? ये तो सारी कर्म गति है, घर तुम्हारा और कहीं है, घर नहीं कोई तेरा बसेरा। माया मर गई पाठ पढ़ा के मुझको नेक इंसान बना के, जूनो जूलियट मुझे सिखाते, रुल्लो विस्सू में मेरी जान बसाई। बुआ कोड़ी मेरी तुझे बनाई, जीतो को अगर जी सका तो करम गति भी पाए लूंगा। मुझे नहीं पता ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं अंकुश, प्लीज। वो अब जाना चाहते हैं। नहीं अंकुश, नहीं अभी तैयार नहीं हूँ अंकुश, प्लीज। लेकिन तुम मेरे पास इसी वजह से आई थी और उनके लिए मदद मांगी थी। नहीं वो जहाँ जाना चाहते हैं उनके जाने देने के लिए। मैं अभी तैयार नहीं हूँ अंकुश, प्लीज। गौरी वो जाना चाहते हैं, तुम्हारा आशीर्वाद चाहते हैं। अरे अंकुश, भगवान के लिए अंकुश, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। गौरी तुम उन साहसी लड़कियों में से हो जिन्हें मैं जानता हूँ, अपनी सारी मोहब्बत और दर्द दिल में समाते मैं तुमसे कहना चाहूंगा, उन्हें वो नाटक खत्म करने दो जिसे वो हमेशा सुनते देखते जीते और पढ़ते रहते हैं। गौरी यही वक्त है। ठीक है आगे बढ़ो। मैं इनका दोस्त इसु बन के इनके सामने जाऊंगा, तुम बुआ कोड़ी की तरह तैयार रहना। मत कोई हाथी लांदा इसकी, दूर हटी जाओ सारे इथुआ, और जित बल की तू सहते हो, कनका की फिर पाए उपाय, कनका की फिर लाए उपाय।
होंदे रहते होंदे होने ले तू मिगी कटार फड़ाया और नी पुछया किश भी हाई ये दसगा सारी हकीकत तुम्हारे पिता भी गंतव्य पर पहुंचने के द्वार पर है नहीं अंकुश मैं उन्हें जाकर मैं नहीं देख सकती आई अंकुश नहीं देख सकती सॉरी गौरी बट फाइनली इट्स मैं ताबिर सिंह नाउ नाउ फॉर नेक्स्ट तुम कुछ भी कहो या कुछ भी नहीं अस भी अपने ना दे उन्दे साडे कन्ने अड़दा जेका पानी भी नहीं मंगी सकता अपनी अंतम कड़िया बेले अज चढ़ रहा है चुप चपीता बढ़ने आला काला डिगर इसने सारा जलथल करिए सब कुछ लोड़ी लेना करिए सब कुछ लोड़ी लेना करिए लड़िम घो गई नहीं कुछ नहीं अंकुश ओ कुतुआ दे तू जोते आए ओ साड़े कन्ने लेने वाले लालच तेरे नैने पुस्ता उसे तू कुटी खाती पानी दाना तो पातो ना दसी जगह मौत नहीं आनी प्लीज होल्ड हिम अंकुश लड़िम घो भरी लड़िम प्लीज होल्ड हिम सूरज तेरा डूबने वाला मामा तेरा उतर जाना मिगी नहीं पलिया बच्चा मां मरी गई जम दे गई प्लीज होल्ड हिम टेल हिम ही इज द रेजर ऑफ माय फादर फाइनेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ अंकुश प्लीज टेल हिम अंकुश प्लीज उन्हें जाने दो घोरी उन्हें जाने दो वो जाना चाहते हैं और इस लाठी को खत्म करना चाहते हैं प्लीज होल्ड हिम थोड़े ऊपर गिरे चमेली ना मैं सुनिया ना मैं देखा बरखा दा बरसा तू पानी गंगा जल तू देखो बंदा झूठा है तू मेरा झूठा झूठे तेरे संगी साथी झूठे तेरे संगी साथी जिसकी खासी तरम गवाया लाजे सारी चट्टन भारी पर तू रुकी खाका की वे प्राण मेरे जाही गंदा दे अंकुश कन्ने कन्ने माफ अंकुश पिताजी अंकुश एक्चुअली ये नाटक मैंने डायरेक्ट नहीं किया ये नाटक संदीप शर्मा जी ने डायरेक्ट किया लिखा मेरा हुआ है तो मैं संदीप शर्मा जी को बुलाऊंगा जिन्होंने दिनेश्वर ओबराय उर्फ बाबा जीतो का किरदार निभाया उसके साथ जो गोरी पठानिया थी वो वर्षा कुमारी इनकी बेटी बुआ कोड़ी और प्रबल शर्मा अंकुश शर्मा उर्फ बाबा जीतो ये तीन कलाकार थे और बैक स्टेज पे मेरे साथ बहुत से लोग थे तानी थी जूही थी हिमांशु थे और एकेडमी के जितने भी लोग थे वो सब वहाँ पे लाइट्स पे म्यूज़िक पे मेरे साथ थे